स्वयं सेवकों के ऊपर हुए लाठी चार्ज को लेकर के विधायक इरफान अंसारी का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार ने उनके ऊपर गोलियां तो नहीं बरसाई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कई सारे लोगों के ऊपर अपने कार्यकाल के दौरान गोलियां बरसाई थी, हमारी सरकार में केवल लाठी चार्ज हुआ है। सीधे सुनिए इस बयान को, जहाँ पर स्वयं सेवक जहाँ पर परेशान है, अस्पताल में लोग भर्ती हैं, उस वहीं पर इरफान अंसारी का ये बयान सामने आता है। मैं तो देखा नहीं हूँ, काफी सारे लोग घायल हैं। घायल नहीं हो सकते, हमारे सामने लेकर के गए हैं, लाठी चल गई है, घायल कैसे नहीं? मेरी बात सुनना, हम लोग लाठी गोली पे विश्वास नहीं करते। तो लाठी तो वहाँ चली है मैडम, गोली तो नहीं चली, लाठी गोली चलने का इंतजार करेंगे सर। नहीं नहीं, मैं हमने कहा कि हम लोग भाजपा वाले लोग नहीं है, भाजपा ने गोली मारा था, याद है ना आपको, दुड़ा दुड़ा के गोली मारा था भाजपा के लोगों ने। आप लाठी चलवा देंगे? लाठी नहीं, अब आप नहीं, नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ, अगर लाठी चार्ज हुआ तो निश्चित तौर पर गलत है, हमारे लोगों पे लाठी चार्ज क्यों होगा? मांग कर रहे थे, हो सकता है कि मांग का कुछ तरीका अलग होगा और हो सकता है पुलिस अपने बचाव में लाठी चार्ज किया होगा। भीड़ में मोब में कुछ लोग उग्र हो जाते हैं, याद रखिएगा, मैं भी जानता हूँ। और जब देखिए जो आंदोलनकारी हैं, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कोई भाजपा के कार्यकर्ता जरूर घुस जाता है जो पथराव कर देता है, ठीक है, पूरे लोग बदनाम हो जाते हैं, आंदोलनकारी बदनाम हो जाता है। तो ये जांच का विषय है। मेरा जो अनुभव कहता है कि जो आंदोलनकारी लोग थे, इसमें भाजपा कहाँ थे? भाजपा का जरूर कोई कार्यकर्ता घुसा होगा और उसने पुलिस को पथराव किया होगा, पुलिस को मारा होगा, पुलिस घायल हुई होगी, उसके बाद पुलिस लाठी चार्ज किया होगा। देखिए पुलिस को तो जाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन पुलिस को पथराव जरूर देखा है। पुलिस को पथराव, पुलिस पर हमला, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेवजह पुलिस क्यों मारेगी? आप आज देख सकते हैं, अंतिम दिन क्यों मारेगी पुलिस? क्यों मारेगी पुलिस बताइए? सुनिए पूरी बात बताएं। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं। 120-122 दिन से वे लोग बैठे हुए हैं, 170 दिनों से बैठे हुए हैं। आप कभी गाय नहीं देखने, उनकी बातों को आपने सुना नहीं। वो एक रैली की शक्ल में विधानसभा की तरफ आ रहे थे, मार्च करते हुए, यही तो, ठीक है, आपको पता नहीं है? और हमको पता नहीं, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि गोली तो नहीं चलाया, मतलब लाठी मारा, गोली, आप गोली से मारिएगा, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं विधायक जी। मतलब आप मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि हमारी सरकार है, आप गोली जानकारी नहीं थी? मैंने हमारी सरकार है, हम लोग गोली नहीं मारते किसी को, मैंने ये कहा। हम लोग गोरदास सरकार नहीं है, हम लोग उनसे वार्ता करेंगे, हम लोग बात करेंगे उनसे, मैंने ये कहा। आप ट्विस्ट मत कीजिए बातों को, आप समझिए मेरी बात को। हम हमारे सारे बच्चे तो हमारे हैं ना, आंदोलनकारी हमारे हैं, आप लोग उतने मोब में आ रहे हैं, सेंसिटिव जोन है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे जज लोग हैं, कोर्ट है यहाँ, तो हो सकता है हमको जानकारी नहीं कि लाठी चला है, लेकिन अगर जो घायल हुए हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन देखिए जब मोब होता है, आंदोलन होता है ना, तो एक दो लाठी खाने से क्या हो जाएगा? लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मांग जो है वो पूरी करेगी हमारी सरकार। मिलेंगे आप? मिलेंगे विधायक? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अगर जो लोग चोट खाए हैं तो उनसे मिलूंगा मैं, क्यों नहीं मिलूंगा? हमारे बच्चे हैं। कौन? अरे भाई वो हमको क्या लाएंगे, उनको हम लाने जा रहे हैं। उनकी पूरी टीम को देखिए, उनकी जो पूरी टीम बनी है, जो भाजपा में चली गई है ना, वो सारी मेरी टीम थी, हमारी टीम, हम लोगों ने उनको जिताया था, ठीक है। और आज भाजपा के सबसे बड़े नेता लोग हो गया ये लोग, तो ये मेरे क्लास में ये लोग पढ़ के गया है, सुन लीजिए मेरी बात, मैं उसका हेडमास्टर हूँ। सेकुलर वोट से ये लोग को हम खड़ा किए और ये लोग चला गया भाजपा में। देखिए ये लोग जहाँ जाएगा वहीं राज करेगा, ये लोग देख लीजिएगा। जो टीम है मेरा भाजपा में हावी है, सारा भाजपा कौन, सारा सीनियर बीजेपी कौन, लीडर कौन, कौन राज कर रहा है? मेरे लोग राज कर रहे हैं, तो रणधीर मेरा है, याद रखिएगा, मैं ले आऊंगा उसको। तो आप लोगों ने साफ तौर पर सुना, एक तरफ जहां वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने गोलियां नहीं चलाई है, तो वहीं दूसरी ओर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप घायलों से जाकर के अस्पताल में मुलाकात करेंगे, तो उनका कहना है कि हाँ हम जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उस आंदोलन में ज़रूर बीजेपी के कोई एजेंट मौजूद होगा जिसने पुलिस के ऊपर पथराव किए होंगे, और साफ तौर पर उसी के फलस्वरूप जो है पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किए होंगे। तमाम बयान जो है वो इरफान अंसारी यहां पर स्वयं सेवकों को लेकर के देते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में सत्य तई सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।